सोलन ट्रांसपोर्ट नगर की आधारशिला 14 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रखी थी। जब ये आधारशिला रखी गई थी तब मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और मंत्री सरवीण चौधरी भी मौजूद थी। कुछ दिनों तक शिलान्यास पट्टिका वहां देखी गई, लेकिन आज पट्टिका के अवशेष नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरारती तत्वों ने उस पट्टिका को तोड़ दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस पट्टिका को टूटे हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन को इस बात की कोई भी जानकारी तक नहीं है। इस घटना पर सोलन से भाजपा के प्रत्याशी रहे राजेश कश्यप ने रोष प्रकट किया और कहा कि वह इस बारे में जिला प्रशासन को सूचित करेंगे और जिन शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि शायद कुछ लोगों को सोलन में होता हुआ विकास पच नहीं रहा है, जिसके चलते वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमारे हिमाचल के विकास पुरुष ठाकुर जयराम जी ने सोलन में आकर बहुत सारी सौगातें दी, जिसमें एक ट्रांसपोर्ट नगर का शिलान्यास भी था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को सुनकर कि उसकी जो आधारशिला की जो पट्टिका है उसको कुछ शरारती तत्वों ने जो है वो तोड़ दिया है और उसको जो है म्यूटिलेट किया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और मैं इस चीज़ का जो है इस बात का बड़ा सीरियसली जो है संज्ञान लेता हूँ और मैं यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ उनको मिलूंगा और उनको जो है डायरेक्शंस भी हम दिलवाएंगे कि भी इस तरह का जो ये किसी शरारती तत्वों ने जो तोड़फोड़ की है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए। और कुछ लोग जो चाहते हैं कि ये विकास ना हो वही ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जो है कुकर्म कर रहे हैं। जब इस बारे में शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पट्टिका के हटने से विकासात्मक कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी और जो भी इस मामले में उचित कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि जब ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का शिलान्यास हुआ था तब वहां के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी इस पट्टिका अंकित नामों को लेकर ऐतराज जताया था, जिसके चलते कार्यकारी अधिकारी का तबादला कर दिया गया था। अब ऐसे में उद्घाटन पट्टिका को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो सकता है।